बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज मैं बनाने जा रही हूँ प्याला चाट या फिर कटोरी चाट। यहाँ पर मैंने लिया है एक कप मैदा, थोड़ी सी कलौंजी और नमक, इतना कि आपका जो पापड़ी बने वो फीकी ना हो, थोड़ी सी नमकीन हो। इसको मैं गूंदूंगी नीम गर्म पानी से। अच्छा जी, आटा गूंद लिया है, अब मैं इसको रख दूंगी 10 मिनट के लिए फ्रिज में। यहाँ पर मैंने लिया है बॉयल चना, ये है एक बॉयल आलू जिसके मैंने छोटे से क्यूब कर लिए हैं, और ये है एक टमाटर जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। ये है चाट मसाला। अच्छा, अब जो बॉयल चने थे उसके अंदर मैंने आलू शामिल कर लिया है और टमाटर शामिल कर लिया है। इसके अंदर जो पानी है ना, इसको हम बिल्कुल खुश्क करेंगे, क्योंकि हम पापड़ी के ऊपर रखेंगे तो पानी खुश्क होना चाहिए। मैंने इसके अंदर मिलाई है 1 टेबल स्पून इमली, आपको जितना खट्टा चाहिए आप उस हिसाब से मिलाइएगा। अब इसके अंदर मैं मिला रही हूँ 1 टी स्पून चाट मसाला। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आखिर में मैंने इसके अंदर डाली थी चॉप की हुई एक प्याज दरमियानी साइज की। अब आप देख रहे होंगे ये बिल्कुल पानी खुश्क हो गया है, और अब मैं इसको कर लूँगी डिश आउट। ये है चना चाट जिसको मैंने डिश आउट कर लिया है। ये है इमली की चटनी जिसके अंदर मैंने पानी नहीं मिलाया था। दही के अंदर भी मैंने पानी नहीं मिलाया था, इवन हल्की सी खट्टी मीठी टाइप थी। और टमाटर चॉप किए हुए, प्याज चॉप की हुई। 10 मिनट के बाद मैंने आटा निकाल लिया था, अब मैं इसकी बना लूँगी बिल्कुल छोटी छोटी सी बॉल्स। जितनी बड़ी आपको प्याला चाहिए आप उतना ही बड़ा जो है पेड़ा बनाएं। इसको मैंने बेल लिया बहुत छोटा सा, मैंने इसको बेल लिया था। उसके बाद मैंने जो टी स्पून होता है जो हर घर में होता है, मैंने उसको बीच में रखा और साइड साइड से मैंने इसको प्रेस किया ताकि ये एक प्याला फॉर्म में आ जाए और चिपक भी जाए। अच्छा, आटा है, इतनी ज़्यादा खुश्की नहीं लगाइए तो चिपक जाएगा आराम से। मैंने चमचे को खोलते हुए तेल के अंदर इस तरह करके डाला और ये खुद ब खुद अलग हो जाएगा। अगर अलग ना हो तो आप दूसरे चमचे की मदद से इसको अलग कर सकते हैं। ये देखें, ये खुद ही अलग हो गया था और प्याला बन गया था। एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो फिर हम इसको दूसरी तरफ से भी गोल्डन ब्राउन कर लेंगे, लाइक दिस। ये देखें, ये हमारा पहला प्याला तैयार हो गया है। ये देखें जी, ये प्याले बन गए हैं। अब हम करेंगे इसके अंदर फिलिंग। पहले इसके अंदर मैंने डाला चना चाट, उसके बाद मैंने इसके अंदर डाली दही। दही डालने के बाद मैंने इसके अंदर डाला इमली की चटनी। इमली की चटनी के बाद मैंने इसके अंदर डाला थोड़े से टमाटर, और उसके बाद मैंने डाली प्याज। एंड कटोरा चाट इज रेडी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत आसान सी रेसिपी है, बहुत मज़े की बनी थी। सब्सक्राइब टू माई चैनल।